सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल, इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है हर्षित भाई। तो हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। सो भाई, हमारे व्यूअर्स को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हर्षित है और मैं करनाल से ही हूँ, और भाई से आज मिले हैं और गाड़ी के रिव्यू के लिए। तो भाई, अगर बात करते हैं कि जैसे अपने पास i20 है, तो i20 ये 2022 वेरिएंट है, तो कब, मतलब 2022 मॉडल है, तो कब, मतलब इसका कैसे प्लान बना और i20 पे ही जाना क्यों जरूरी समझा और कौन सा वेरिएंट है, एक बार व्यूअर्स को सारा बता दो। तो ये 2022 वेरिएंट है, मैंने अक्टूबर में लिया था। फैमिली को एक्चुअली मेरी पहली कार है, ये फैमिली की हमारी पहली कार है, तो हमें गाड़ी लेनी थी। तो हम जब शोरूम गए थे तो i10 का प्लान था, लेकिन i10 से ये मुझे बेटर लगी इंटीरियर वाइज और एक्सटीरियर वाइज भी, तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को प्रेफर किया। और कुछ बजट हमारा इस हैचबैक का ही था, तो इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस दी। और फिर जब हमने ली तो फिर हम गाड़ी को हो गया, ठीक टाइम हो गया, काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अब बात करते हैं कि भाई, जैसे वेरिएंट अपना ये कौन सा है और पेट्रोल में है, डीजल में है, मैनुअल है और या CVT है? ये एक्चुअली i20 स्पोर्ट्स मॉडल है और ये मैनुअल मॉडल है, पेट्रोल में है और काफ़ी ठीक है गाड़ी, मतलब ओके है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि भाई कितने किलोमीटर चला दी 22 से, जैसे अब 23 लग गया है, तो देखा जाए एक साल अपने को मोटा मोटा कवर होने वाला है, तो उसके अंदर कितने किलोमीटर चला दी? ये एक्चुअली मेरी ज़्यादा नहीं चलती, लोकल में ही मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं इसको ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबे टूर पे तो नहीं गई है, लेकिन ये 2200-2300 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब अप्रोक्स लगा के चले 2300 किलोमीटर चल चुकी है। तो 2300 किलोमीटर के साथ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी के साथ अपना? ये मुझे तो अभी तक तो मेरी पहली गाड़ी के हिसाब से बताऊँ तो बहुत बढ़िया लगी है, मतलब काफ़ी अच्छी कार है, हैचबैक में काफ़ी एक अच्छा मेरा डिसीजन अच्छा था कि हमने ये गाड़ी को प्रेफरेंस दी। और अब अगर आगे भी अगर मैं कभी मतलब किसी को प्रेफर करूँ कि फर्स्ट कार वो ले और उसको हैचबैक लेनी हो, तो ये ही गाड़ी को प्रेफरेंस दे अगर उसने पहली गाड़ी अपनी लेनी है। अच्छा भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अपने पहली गाड़ी ये ली, तो आपने हैचबैक पे जाना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं पहली गाड़ी SUV लेके चलते हैं, सो वो भी आपके माइंड में एक बार ही आया होगा। तो एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस हैचबैक की थी, क्योंकि बजट हमारा उतना ज़्यादा नहीं था, बजट हमारा ठीक ही था। एक बार मन तो हुआ था कि एक थोड़ा रुक के SUV या किसी बड़ी के लिए जाएं, लेकिन फिर लगा कि ज़रूरत अभी है तो रुकने से फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इसको ही लिया। अच्छा, अब जैसे आप ये बता रहे हो कि अपनी पेट्रोल के अंदर है और 2200-2300 हम गाड़ी चला चुके हैं, तो 2300 के अंदर अपने को क्या एक एवरेज मिल जाती है सिटी में और हाईवे पे? इसकी लोकल सिटी में तो 15-14 तक मिल जाती है एवरेज मैक्सिमम, ये 15-16 भी दे देती है कई बार मतलब चलाने पे है, और हाईवे वगैरह पे ये अब तक मैंने 18 या 20 तक चलाई है। अच्छा, मतलब 20 तक आप लोगों ने आपने निकाल दिया इसकी एवरेज। तो अगर हम जैसे बात करते हैं तो कितनी एक स्पीड तक आप मतलब गाड़ी को लेगे और आपको लगा है कि गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो एक सही है, मतलब आज की बात अगर हम करें तो अदर गाड़ियों से कंपेयर करें? इसको मैंने मैक्सिमम 112 तक चलाया है, 112 की स्पीड तक, लेकिन ये 90 से 100 के बीच में एक स्मूथ राइड देती है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 90 से अपनी गाड़ी को ऐसे लगता है कि जैसे अब हैचबैक अब एक तरीके से अपने को जो कम्फर्ट मिल रहा है वो राइड क्वालिटी में आता है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि राइड क्वालिटी के बीच में कि जैसे लगता है आप 90 से 100 के बीच में? ऐसे है ना कि 90 तक इसको थोड़ा हमें खींचना पड़ता है, मतलब पंजा दबा के रखो और वो करो, पावर में थोड़ा सा मतलब आपको लैग लगता है? लैग लगता है, ये ना चक्कर ये है कि 1200 cc का इंजन है इसका, तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा अगर थोड़ी सी पावर और गाड़ी में होती तो मज़ा आता, लेकिन वो है कि अब छोटी गाड़ी है तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए। लेकिन ये है कि जब 90 और 95 पे ये होती है तो लगता है कि गाड़ी अब स्मूथ चल रही है। बट अगर हम बात करें कि भाई जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है उस सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करें कि उतने हिसाब से पावर सही है गाड़ी की या लगता है कि कम है? अब यार मैं कैसे, मैं मतलब ये जैसे मैंने अब तक इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं चलाई है, मैंने इससे ऊपर ही चलाई है सारी। मतलब हैचबैक आपने सीधा यही चलाई है? चलाई है, पहली हैचबैक यही है। अब मैं जैसे इसका जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी तो वो डीजल वेरिएंट की ली थी, तो उसमें भी क्योंकि डीजल वेरिएंट तो इससे थोड़ा पावर उसकी टॉर्क हमेशा ज़्यादा होती है, ज़्यादा थी, तो उसमें मेरे को इस पर वो हो गया था कि लेनी है तो यही लेनी है, तो इसके अलावा मैंने कोई नहीं चलाई है। वैगनार एक बार मैंने देखी थी तो वो उसमें मुझे इतना दम नहीं लगा, इसमें ज़्यादा था, तो मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें तो अपने पास i20 ज़्यादा बेटर है। तो भाई अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप बता रहे हो कि अभी ज़्यादा नहीं चली पर अपनी 2000 किलोमीटर गाड़ी चल गया, तो 2000 किलोमीटर भी एक बहुत होते हैं एक नॉर्मल फैमिली के लिए, क्योंकि हम गाड़ी को एक फैमिली पर्पज़ के लिए रखते हैं कि कहीं पर आने जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम उसमें बात करते हैं तो गाड़ी का लाइट्स का रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको हैचबैक के रिगार्डिंग? एक्चुअली यार इसकी थोड़ी लाइट डिम है, मतलब जो हाईवे पे ना काफ़ी दूर का इतना ये कवर नहीं करती इसकी लाइट्स, तो एक वो इसका ड्रॉबैक है कि मुझे लाइट्स चेंज करवानी है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मैं थोड़ा LED वगैरह लगवाऊँ। बट कंपनी से अगर इसकी थोड़ी लाइट्स की मुझे लगता है जब हम लेके आए थे तभी से एक वो हो गया था कि लाइट्स इसकी कम है, लेकिन क्योंकि
मेरी सिटी में ज्यादा चलती है तो लाइट्स की इतनी यूज नहीं होता, लेकिन जब हाईवे पे जाते हैं तब लगता है कि कुछ ड्रॉबैक है इसमें लाइट्स। मतलब वैसे देखा जाए तो सिटी राइड के लिए लाइट्स ठीक है, बट हाईवे के लिए अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर भाई हम बात करते हैं कि जैसे अब ये गाड़ी आप हम मतलब बात कर रहे हैं कि फैमिली पर्पस के लिए ठीक है, तो फैमिली में मतलब आप और को रिकमेंड करते हो गाड़ी ये वाली फैमिली के लिए? अगर मैं कहूँ कि कोई मिडिल क्लास बंदा है और उसकी नई नई जॉब है, बिल्कुल स्टार्टिंग ही जॉब है, और उसको कोई कार चाहिए ऑफिस जाने के लिए या जैसे फैमिली को घुमाने के लिए, तो उसको मैं ये प्रेफरेंस कहूँगा कि अगर वो कोई गाड़ी लेना चाह रहा है और उसका मतलब नॉर्मल बजट है, अच्छा बजट है, तो वो इस गाड़ी को ले सकता है। और अगर किसी को अपनी वाइफ को लेनी हो, जैसे एक होता है कि वाइफ को गाड़ी चाहिए और खुद के पास एक बड़ी गाड़ी है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा वो है, मतलब एक अच्छा ऑप्शन अपने पास चला जाता है। इसके साथ अपने को सबसे बड़ी जो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई गाड़ी जितनी बेसिक हो उतनी सही रहती है, ठीक है, फैमिली के लिए। अच्छा अब भाई एक चीज़ है कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं साउंड क्वालिटी के हिसाब से, और दूसरा इंजन इसका बड़ा रिफाइंड है, तो होंडाई पे जाना ज़्यादातर लोग समझते हैं क्योंकि मारुति का एक ऑप्शन अपने पास होंडाई रह जाता है बढ़िया, जिसके अंदर रिफाइनमेंट इंजन आ जाते हैं। तो इसके अंदर मतलब आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, मेरे को जैसे ऑफिस से डेली करना है मतलब अप एंड डाउन, तो उसके लिए ठीक है मतलब गाड़ी एक बंदे के लिए भी, तो उसमें ये नहीं लगता कि अपने को सीवीटी पे जाए या ऑटोमेटिक मतलब उस पर रखे मैनुअल में, ये चीज़ अपने को अलग उसको रख के अगर हम चले तो फैमिली के साथ गाड़ी सही रहती है। i20 एक पर्सनल प्रेफरेंस भी है ना, कुछ लोगों को मैनुअल ज़्यादा अच्छी लगती है चलाने में, कुछ लोगों को ऑटोमेटिक। अब मेरा प्रेफरेंस ऑटोमेटिक पे है, लेकिन मैं इसको चलाता हूं तो मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता कि भाई थोड़ा भाई नीचे रहे। अच्छा भाई अब बात करें गियर शिफ्टिंग की, तो वो कैसा लगता है इसके अंदर? वो ठीक है यार, थोड़ा कई बार लगता है दिक्कत है, लेकिन वैसे ठीक है, बट वो चलाने चलाने पे है, जैसे मैं नया नया हूँ अभी तो कई बार लगता है, लेकिन वैसे ठीक है। आप बात करते हैं कि भाई जैसे आप बता रहे थे कि गाड़ी का मतलब सर्विस, आप जैसे हम सर्विस के लिए जाते हैं अभी, तो मतलब खैर आपकी गाड़ी की मेजर सर्विस हुई नहीं, बट इसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट अपने साथ हुआ हो कि जो आपको लगा हो कि कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, तो उसमें आपका कुछ हो? इसका एक्चुअली ये ना एक्सीडेंट हो गया था, एक बार बाइक वगैरह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये फ्रंट जो है ना इसका पूरा, आज वो एक बार दिखाई देते हैं, जो ये फ्रंट ग्रिल है, ये बम्पर है, ये वाली चीज, ये सब खत्म हो गया, तो ये हमने दोबारा इंश्योरेंस में डलवाया है। लेकिन जब रिपेयर के बाद ना मुझे थोड़ा इसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि जैसे न्यू ब्रांड न्यू कार और रिपेयर में मतलब एक वो एक दिखता है कि गाड़ी में कुछ बदलाव हुआ है। जैसे मेजर तो है कि ये गैप जो है, ये गैप इतना नहीं होता जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन इसमें अब है। अच्छा मतलब ऐसे अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अपने को गैप यहाँ पे भी दिख रहा है, बट अगर नई की गाड़ी के साथ बात करते हैं तो नहीं आता इसके कंपेयर में, और इस कंपेयर में आप देख सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें जैसे ये लगी थी, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि कुछ फर्क पड़ा गाड़ी में, कुछ ऐसा पॉइंट लॉन्ग राइड्स के लिए, तो उसके लिए गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा अपने को लगता है कि अगर आपने भी अभी कोई प्लान करा हो लॉन्ग राइड के लिए, तो उसमें आप इसको लेके जाना उस पे करोगे या कोई अदर गाड़ी का वो करोगे? अगर मैं लॉन्ग राइड की बात करूँ तो यार मैं प्रेफर करूंगा एसयूवी लेके, कंफर्ट वगैरह सीट कंफर्ट्स को, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती है, लाइट रिस्पॉन्स देखा जाता है, सीट कंफर्ट्स देखा जाता है, तो उसके लिए राइड के लिए ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी है लोकल के लिए, मैक्सिमम मतलब 200-250 किलोमीटर के लिए, मतलब 150 लगा लो यार, 250 तो भी खींचोगे तो फिर खींचेगी ये, लेकिन 150 पे ये एक स्मूथ राइड देगी। मतलब आप हैचबैक को इस वाली को या मैं किसी भी हैचबैक की बात करूँ तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो लोकल में चलाए, और अगर उसको लॉन्ग राइड्स पे जाना है जैसे फैमिली आउटिंग पे जाना है या किसी इंटर स्टेट या इंटर सिटी जाना है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि वो एसयूवी ले या सेडान, बट लोकल के लिए ये बढ़िया। अब एक बार ये आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं। अब भाई अगर हम बात करते हैं जैसे सीट कंफर्ट हो गया, और दूसरा आपने मतलब स्टेयरिंग का रिस्पांस वगैरह, आपको कैसा लगता है कि हाई स्पीड पे स्टेयरिंग का रिस्पांस ठीक है? इसका इंटीरियर और ये सब बढ़िया है, मतलब रिस्पांस भी अच्छा है स्टीयरिंग व्हील का और वो सब, सीट कंफर्ट भी बढ़िया है, मतलब गाड़ी वैसे नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि इसकी गाड़ी का ना थोड़ा जैसे मेरे को आदत है ऐसे चलाने की, तो उसमें मेरी लेग थोड़ी लंबी है तो वो यहाँ लग, मतलब थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसमें अपने को थोड़ा सा उसमें थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट लगता है, तो मुझे थोड़ा पीछे करना पड़ता है,
लेकिन जब मैं पीछे करता हूँ तो एक वो कम्फर्ट नहीं आता कि मैं मतलब ड्राइविंग, तो एक थोड़ा कम्फर्टेबली मतलब ड्राइव नहीं हो पाता, लेजीनेस ही आती है, क्योंकि क्या है ना जब पास होते हैं तो एक ड्राइव अच्छी हो पाती है, लेकिन पीछे करने पे तो लेजीनेस ही आती है। अच्छा एक चीज और है कि जैसे अब आपकी फर्स्ट कार थी तो इसमें आपके पास हैचबैक है, तो अच्छा सेडान बिल्कुल डाउन होती है, हैचबैक उससे थोड़ी सी वो होती है, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर हम बात करें तो इसमें बैठने का अपने को बोनेट तो पहली बात विजिबल होता ही नहीं है, हैचबैक में मैक्सिमम टाइम पे होता नहीं, तो आपको मतलब लगता है कहीं पे ऐसा कि यार थोड़ा बहुत मतलब मेरे को करना चाहिए था, या इसमें सीट को ऊपर करना पड़े कुछ ऐसा? हाँ वही है कि यार थोड़ा विजिबिलिटी का तो है इशू कि वहां पे आपको प्रॉपर नहीं दिखता, एक तो उस एंगल पे, एक इस एंगल पे थोड़ा मतलब जब टर्न ले रहे हो तो एक अनुमान सा लगा के चलना पड़ता है कि यार मतलब एक लिमिटेड एस्टिमेट से बंदा निकाल लेता है, वो भी ए पिलर के थ्रू, उससे बस अपने को लगता है, बाकी ये थोड़ा टाइम लगेगा तो बंदे को हैप्चुअल हो जाता है गाड़ी को, बस ये है कि चला चला के थोड़ा पता लग जाता है गाड़ी का कि भाई इतने में तो निकल जाएगी, लेकिन कई बार हो जाता है कि टच भी हो जाती है। अभी एक चीज आप बता रहे थे कि मैं मतलब अब अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ, तो उसका अपना रीजन क्या है यार? अभी तो 2000 किलोमीटर ही चली है बस। गाड़ी रीजन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे खुद ही है कि मैं जैसे मेरा बजट बढ़े तो मैं एक गाड़ी लूँ, नई गाड़ी लूँ, और मेरा प्रेफरेंस है कि मैं एसयूवी की तरफ जाऊँ, क्योंकि एक अंदर से मन है। लेकिन ये भी है कि अब इसको चलाया है हैचबैक को तो थोड़ा एक वो हो गया कि अब एक तो पावर का है कि उतना पावर नहीं है हैचबैक में जो हमें मतलब अंदर से होता है कि थोड़ी गाड़ी थोड़ी हो पावरफुल हो, वो है। दूसरा ये है कि यार अब इसको 2000 ही चली है लेकिन बहुत चला लिया, अब मन है कि कुछ अपग्रेड, अब अपग्रेड करने का टाइम आ गया, मतलब ऐसा लगता है, ऐसे लगता है कि 2000 किलोमीटर में मतलब आपको ऐसा लगता है। हाँ, बस इस गाड़ी को देख के लग रहा है, अब शायद कोई नई लूँ तो उसको ना लगे कि वो थोड़ी पावरफुल हो बड़ी हो, लेकिन इसको चला के अब लगता है कि अब हो गया यार, अब थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है बस। सो चलो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।